प्रयागराज से खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला, लेखपाल संतोष कुमार बिंद को किया गया निलंबित। कोरांग तहसील में तैनात हैं लेखपाल संतोष कुमार बिंद, डॉक्टर केएल पटेल के साथ लेखपाल की गिरफ्तारी हुई थी। शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला। मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट आपके पास? मामला है और ये इसमें प्रयागराज पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया था। पिछले दिनों प्रयागराज की पुलिस ने सुराव थाने में एक मुकदमा दर्ज करने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया था। और इस खुलासे में पुलिस ने बताया था कि ये लोग 8 से 12 लाख रुपए तक के लोगों से सौदा करते थे और उन्हें प्रश्न पत्र लीक कराने से लेकर नौकरी दिलाने का पूरा भरोसा दिलाते थे। और इसी मामले में पुलिस ने पिछले दिनों एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य को गिरफ्तार किया था जो इस गैंग का सरगना था, डॉक्टर केएल पटेल। इसी के साथ पुलिस ने लेखपाल को भी गिरफ्तार किया था, संतोष कुमार बिंद, जो प्रयागराज की कोरांव तहसील में तैनात था, और इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। और इसी मामले में आज जिला प्रशासन की तरफ से लेखपाल को निलंबित किया गया है। जी पंकज, एसटीएफ इस मामले की जाँच कर रही है। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे और अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है और कितने ऐसे लोग हैं जो रडार पर हैं, और बीच में मांग सीबीआई जांच की भी उठी थी। जी पंकज बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर शासन ने तत्काल गंभीरता दिखाई थी और इस मामले में 2 दिन पहले लखनऊ से पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपने की घोषणा की जा चुकी है और अब इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। और इस मामले में प्रयागराज पुलिस के द्वारा कुल 11 लोगों को गिरफ्तार। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।